कोरोना काल में सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हर किसी को हैरान परेशान कर रही हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जहां एक तरीके से लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम कर रही हैं, तो कुछ तस्वीरें हर किसी को झकझोर कर रख दे रही हैं। और अगर हम बात बिहार की करें तो यहां के अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा नीतीश सरकार पर कई और मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, बक्सर में गंगा तट पर जो लाशें मिली थी उनको लेकर नीतीश सरकार को घेरा गया। खैर, इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो नीतीश सरकार पर एक करारा तमाचा है, और साथ ही साथ जो व्यवस्था इस वक्त बिहार में है उसको लेकर ये तस्वीर पोल खोल रही है। पहले तस्वीर देखिए, तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, इनका नाम लाल बाबू शाह है। इनका एक हाथ नहीं है, ध्यान से आप देखिए, इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन बड़े उत्साह के साथ ये कोरोना काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, और इसी कड़ी में ये सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार इन्हीं की तरह अपाहिज हो गई है, ना खुद सैनिटाइजेशन कराती है और ना ही करवाती है। ऐसे में उन्होंने ही मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर ये जिम्मा उठाया है। फिर उनसे पूछा गया कि आपका एक हाथ नहीं है और फिर भी आप इस तरीके से अच्छा काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं, तो परेशानी तो होती होगी। तो लाल बाबू शाह ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, साथ ही साथ मैं और भी लोगों के साथ इसमें जुटा हुआ हूँ, मिलजुल कर मौज मस्ती करते करते हम ये काम करते हैं। मैं अपने कटे हुए हाथ को देखता भी नहीं हूँ, देखता हूँ कि मेरे साथ और कितने हाथ हैं, और यही देखकर मेरा मनोबल बढ़ जाता है। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये हर किसी को एक मोटिवेशन दे रही हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले का ये पूरा मामला सामने आया है, बड़ा बाजार वहां पर पड़ता है, वहां पर ये जो बाबूलाल शाह हैं, ये इस तरीके का काम कर रही हैं। एक पूरी टोली है जो सैनिटाइजेशन के काम में लगी है, और इसी टोली को लाल बाबू शाह लीड करते हैं। नगर निगम और सरकारी सहायता ना मिलने से परेशान मोहल्ला वासियों ने एक टीम का गठन किया, और इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, और ये जो टीम है ये मोहल्ले के सभी घरों का सैनिटाइजेशन करती है, और साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठाती है। और साथ ही साथ नीतीश सरकार जिस तरीके से फेल होती हुई दिख रही है लगभग हर मुद्दे पर, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं?